Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share and follow. Assalamualaikum, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम इस फ्रॉक को बनाने का तरीका सीखेंगे। ये हमारे पास सिंपल शर्ट का कपड़ा है, इसी से हमने फ्रॉक बनाना है। इसमें हमने कटिंग नहीं की बल्कि इसको सेंटर से यूं फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस लाइन को नीचे की तरफ हमने 15 इंच तक लेके जाना है। यहाँ पे हम लंबाई में 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो हमने 8 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमने 2 इंच की यहाँ पर प्लेट डालनी है। यहाँ भी हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसकी हमने सीधी साइड पर ही सिलाई करनी है। अब इसी तरह से इसके दूसरे साइड पे भी हम 2 इंच की प्लेट डाल लेंगे। अब इसको सेंटर से हम यू फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और इसी तरह से इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है, जो हमने 15 इंच का मार्क किया था, वहीं पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमने ये टसल बनाने हैं। इसके लिए जो हमने गोटे का ये रोल लिया है, ये हमारे पास पीको में यूज़ होता है, आपको ज़री स्टोर से मिल जाएगा। इसके सेंटर में हमने ये तैयार शीशा लगाना है और नीचे ये टसल लगाना है। यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे।
अब इसी तरह से हमने यहाँ पे ये तीन लगा लेने हैं। अब यहाँ पे हमने गला बनाना है। यहाँ गले में हमने लेस लगाना है, तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और लंबाई हम लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पे हम वी शेप बनाएंगे, तो इसके लिए इन दोनों कोनों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद आपने जितनी यहाँ पे गोलाई रखनी है उसी हिसाब से इसकी ड्राफ्टिंग कर लें। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर इसके सेंटर में आप डोरी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको यूँ खुला ही रखें। हम यहाँ पर इसकी सिंपल सिलाई कर लेंगे। ये हमने गला तैयार कर लिया है। अब इसके साइड पे हम ये लेस लगाएंगे। सिलाई हमने लेस के अंदर करनी है ताकि ये राउंड में सेट हो सके। यहाँ हमने लेस लगा लिया है और इसके बैक पार्ट को भी जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसके स्लीव्स तैयार करेंगे। यहाँ पे इसको फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमने सिंपल इस कपड़े को फोल्ड किया है। इसको हमने आस्तीन से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको 1 इंच आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और यूं 1 इंच पीछे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर प्लेट डालेंगे।
अब इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। यहाँ पर हम ये पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ये लेस लगाएंगे। इसके साथ ही जो हमने गले में ये गोटा रिंग लगाया है, इसी तरह से ये भी इसके सेंटर में रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेंगे।
यहाँ पे हमने इसके स्लीव्स भी लगा लिए हैं और साइड में फिटिंग की सिलाई भी कर ली है। अब हमने जो ये आस्तीन में लेस लगाया है, इसी तरह से हमने इसके चाकू और दामन में भी लेस लगाना है। ये लेस की हमारे पास सीधी साइड है जिसको हमने नीचे की तरफ रखा है। इसके ऊपर हम ये पाइपिंग लगाएंगे। लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और पाइपिंग की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। जैसे कि हमने आस्तीन में ये रिंग लगाए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी लगाएंगे। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.